अगर कभी कभार थोड़ा बहुत डरना चाहते हो और अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 3 ऐसी खौफनाक भूतिया वीडियोस जो कुछ लोगों ने अपने कैमरा के अंदर भी कैप्चर कर ली है, जिनको देखकर आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड भूतों जैसी चीज़ों में और भी ज़्यादा विश्वास करने लगोगे। तो देर किस बात की, आज के हमारे इस डरावने सफ़र को अपनी पहली वीडियो से शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वीडियो एक YouTube चैनल स्केरी वीडियोस ने हाल ही में ही अपलोड करी थी और इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति अपने गाड़ी के डैश कैम में एक बहुत ही अनएक्सप्लेन्ड एंड डरावने क्रिएचर को अपने कैमरा में कैप्चर कर लेता है, जिसके अंदर हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। वीडियो के अंदर गाड़ी के बिल्कुल सामने एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर कैप्चर हो जाता है, जिसका शरीर तो किसी इंसान की तरह ही दिख रहा था लेकिन उसके हाथ और पैर किसी आम इंसान से काफ़ी पतले होते हैं और इस क्रिएचर के पूरे शरीर पर एक भी बाल नहीं होता और ये अपने शरीर झुकाकर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। हालांकि वीडियो देखकर ये नहीं पता चलता कि कार ड्राइवर को वो क्रिएचर दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि वीडियो के अंदर कोई ओरिजिनल ऑडियो नहीं है। लेकिन आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है? आज की हमारी दूसरी वीडियो द फैम नामक एक YouTube चैनल ने पोस्ट करी थी और इस वीडियो के अंदर ये एक हॉन्टेड एंड अबैंडन्ड हॉस्पिटल को अकेले एक्सप्लोर करने जाते हैं और इस वीडियो के अंदर उनको काफ़ी सारी पैरानॉर्मल और भूतिया घटनाएं भी अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए मिलती हैं, जिसमें से सबसे पहली घटना इनके साथ वीडियो शुरू होने के कुछ 7 मिनट बाद घटित हुई थी, जिसके अंदर इनको एक लाउड बैंग नॉइज़ इनके पीछे वाले दरवाजे में से आती है। हालांकि वहां पर कोई भी नहीं दिखता। इस घटना के बाद कुल 13 मिनट और 13 सेकंड के आसपास इनके पास एक चीज़ गिरने की भी साउंड आती है और जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब फिर से इनको वहां पर कोई भी नहीं दिखता। Okay, that looks really spooky. What the fuck was that? इसके बाद 17 मिनट और 40 सेकंड के आसपास इनके कैमरा में एक ब्लैक रंग की शैडो फिगर कैप्चर हो जाती है, जिसको वो खुद तो नोटिस नहीं करते लेकिन इनके व्यूअर्स जरूर कर लेते हैं। Alright. Oh, this thing is moving. What the hell? इस सीन के बाद कुछ 23 मिनट और 33 सेकंड के आसपास इनके सामने रखी हुई एक स्प्रिंग जैसी चीज़ एकदम शांत दिखाई देती है, फिर लेकिन उसमें अचानक से ही जान आ जाती है और वो हिलने लगती है, मानो जैसे किसी ने तेज हवा का झोंका उसके ऊपर दिया हो। So quiet in here all of a sudden, huh? What? What in the hell was that? लेकिन सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। इस सीन के बाद 24 मिनट और 10 सेकंड के आसपास इनके कैमरा के सामने कोई चीज़ उड़ती हुई इनके सामने गिर जाती है और उस वक्त भी उनके आसपास उनके अलावा कोई भी नहीं था। Whoa, check this out, guys. You can actually get out right here. What the hell? Whoa, what the? Oh, what the hell? Oh my God, dude. तो क्या जो शैडो फिगर इस वीडियो में कैप्चर हुई थी वो कोई भटकती आत्मा थी जो ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के पीछे का कारण थी,
आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है। आज की हमारी आखिरी वीडियो ग्रे वुल्फ नामक एक यूट्यूब चैनल ने अपनी हॉन्टेड एक्सप्लोरेशन वाली जर्नी के दौरान रिकॉर्ड करी थी और ये चैनल इंडिया का ही चैनल है। इस वीडियो के अंदर ग्रे वुल्फ अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक अबेंडेंट एंड हॉन्टेड शॉपिंग मॉल की एक्सप्लोरेशन करने गए होते हैं और अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को भी अपने कैमरा में कैप्चर कर लेते हैं, जैसे कि जब इनकी ओरिजिनल वीडियो में करीब 10 मिनट और 23 सेकंड गुजर जाने के बाद जब ये उस मॉल के किसी दूसरे भाग में अपने एक्सप्लोरेशन करने जा रहे होते हैं तब इनके पीछे से किसी के यमा नामक बोलते हुए की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उनके अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं था। इसके बाद 13 मिनट और 50 सेकंड के आसपास इनको एक छोटा पक्षी अचानक से दिखाई देता है जो किसी मिस्टीरियस तरीके से उड़ता उड़ता सामने वाली दीवार पर भिड़ जाता है। उन्हें लगता है कि ये बेचारा पक्षी इतनी जोर से भिड़कर अपनी जान गंवा बैठा है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं उसमें फिर से जान आ जाती है। ब्रो, 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 परंतु उसका दोस्त उस पक्षी की मदद करते हुए उसको वहां से आजाद कर देता है। हालांकि इस वीडियो का सबसे खौफनाक सीन तो 17 मिनट और 50 सेकंड के आसपास घटित हुआ था जब ये दोनों अपनी एक्सप्लोरेशन करके उस जगह से वापस जा रहे होते हैं, क्योंकि जाते समय इनके सामने कोई कपड़े जैसी चीज अचानक से ऊपर से आती हुई इनके सामने गिर जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, उस चीज के गिर जाने के बाद उनको किसी व्यक्ति की जंगल की तरफ से चीखने की आवाज भी आती है, जिसको सुनकर वो दोनों दोस्त तुरंत वहां से भाग जाते हैं। तो क्या जो घटना इन दोनों दोस्तों के साथ हुई वो बिल्कुल सच थी? अगर हाँ तो वहाँ ऐसी कौन सी ताकतवर शक्ति रहती है जिससे कि छोटे पक्षी जैसे जानवर उस जगह पर आते ही अपना होश भी खोने लगते हैं? अपने विचार बताना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने अपने आज के हॉरर डोज को भी सेटिस्फाई कर लिया होगा और अगर आप अपना मूड थोड़ा फ्रेश करना चाहते हो और थोड़ी मस्ती मजाक वाली रोस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो एक बार मेरे दूसरे चैनल माउंट साइडर को जाकर भी एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप ऐसी और भी डरावने सफ़र पर मेरे साथ जाते रहना चाहते हो तो स्केरी बिल्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो पर भी एक लाइक ज़रूर देना। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और दिल दहला देने वाली हॉन्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।